तो आपको अपडेट आपको दे रहे हैं, और अभी जो सूचना हमें यहाँ पर मिल रही है जो दर्शक हमारे जुड़े हैं कि उन लोगों से बातचीत हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप जो ज़िंदगी की जंग जो है यहाँ पर लड़ रहे थे उनसे बातचीत यहाँ पर हो रही है और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर की है, मंदिर की तस्वीर है जहाँ पर लोग अंदर है और उनसे बात की जा रही है और ये रेस्क्यू अभी तक यहाँ पर चल रहा है। तो बातचीत यहाँ पे हो रही है, जो अभी तस्वीरें जो ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल अभी काम भी यहाँ पर राहत कार्य जो है वहाँ पर बंद कर दिया है। मशीन बंदर जो फंसे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, इस तरह से जो है अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आवाज़ एक बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग है। भगवान जो है सभी दुआ यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे लोग हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, वो तो राहत कर रहे हैं और चाहे पुलिस के जवान हैं, आप देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हैं कि ताकि वो लोग सुरक्षित यहाँ पर निकल जाए। आप देख रहे हैं ये ऐसा मंजर, ऐसा दुखद मंजर जो सभी दुआ यहाँ पर सभी कर रहे हैं और दुआ ये कर रहे हैं कि जो लोग हैं अंदर उनसे बातचीत हुई है वो सुरक्षित बाहर निकले। ये पुलिस के जवान हैं और ये अभी बातचीत यहाँ पर की जा रही है और कुछ आवाज़ जो है इस मंदिर के अंदर से यहाँ पर है कि अंदर कुछ जिंदगियाँ जो मौत की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है, जिंदगी की यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। तो ये यहाँ पर अपडेट लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं समरिल से और आवाज़ें कुछ अंदर जब यहाँ पर आई और उन आवाज़ों के बाद जो उनसे संपर्क यहाँ पर किया कि अंदर सुरक्षित है और जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक बुज़ुर्ग है वो लगातार सुबह यहाँ से हैं और उनसे बातचीत करने की यहाँ पर पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। और अब हम कह सकते हैं कि जो जिंदगियाँ अंदर लड़ रही है इस भयंकर स्थिति से वो सुरक्षित बाहर निकले, यही यहाँ पर जो दुआ यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जब पुलिस के जवान हैं, आप सभी की दुआ आप करें कि ये जो लोग अंदर हैं वो जो फंसे जो लोग हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकें। तो इस मंदिर के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ से कुछ लोगों की अंदर से आवाज़ आई है और ये एक कह सकते हैं कि थोड़ी राहत के बाद जिनको बचाने का यहाँ पर काम कर रहा था उनका ये कहना है कि वो अंदर सुरक्षित हैं और अब ऑपरेशन चल रहा है उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो जिंदगियाँ अंदर यहाँ पर फंसी हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दें कुछ लोग दबे भी हैं जिनका जिंदा रहना काफ़ी हम कह सकते हैं क्योंकि मुश्किल हो सकता है, कहना अभी सब कुछ मुश्किल है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यहाँ का जो माहौल है काफ़ी दुखदायी इस समय यहाँ पर माहौल है। सभी यहाँ पर दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर दबे हैं जिनको बचाया जा सके उनको बचाया जा सके और कुछ जो लोग दबे हैं उनको भी निकालने की यहाँ पर लगातार कोशिश करें। तो घटनास्थल से आपको लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक जवान जो है अंदर जाके जो है उनसे बातचीत करने की भी बात की जा रही है कि उनसे बातचीत यहाँ हो सके। तो हालत काफ़ी गंभीर, हालत काफ़ी नाजुक स्थिति, सभी दुआ यहाँ पर कर रहे हैं कि वो निकल जाए, यहाँ पर लोग जो अंदर फंसे हैं वो निकल जाए। अभी एक राहत की बात यह है कि उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है क्योंकि अंदर जो उनके पास फ़ोन है वो बंद हो चुके हैं, पर अभी अंदर से आवाज़ आई है वो उनसे बातचीत यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। ये अभी एक राहत की बात है, जो अंदर 5 से 6 जिंदगियाँ यहाँ पर बताई जा रही है जो उस मलबे के अंदर है, उस कमरे के अंदर एक सुरक्षित स्थान पे अभी हैं और बहुत जल्द उनको बाहर निकालने का यहाँ पर उम्मीद है। तो लगातार आपको यहाँ से हम अपडेट देंगे, पल पल की जो जानकारी देने की जो है पूरी कोशिश हम करेंगे कि क्या यहाँ पर ताज़ा स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है। SDRF की बात करें, NDRF की बात करें, होमगार्ड के जवान की अगर बात करें,
पुलिस जवान की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ अग्निशमन की अगर हम बात करें, जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करें, तो ये लगातार ये जो से लगे हैं यहाँ पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लगातार, इस तस्वीरों के माध्यम से रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है। सभी दुआ यहाँ पर कर रहे हैं कि वो लोग जो अंदर फंसे हैं उनको निकाल दिया जाए, सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी को जो है बचा सके। तो आपको फिर से आपको बता दें कि जो मंदिर है जहाँ पर सभी जवान यहाँ पर लगे हैं, जो राहत कार्य यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से अंदर आवाज़ आई है, कुछ लोगों की आवाज़ यहाँ पर आई है, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अंदर सभी के जो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुके हैं, ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग अंदर हैं और एक कमरे में वो फंसे हुए हैं, उनसे बात हुई थी 2 घंटे पहले की अगर बात करें तो। अब फिर से अब उनसे कुछ बात हुई है और राहत कार्य फिर से लग चुका है, मशीन भी लगातार यहाँ पे लगी है, स्थानीय लोगों की भी काफ़ी मदद यहाँ पे मिल रही है। तो इसी तरह की घटना आप पूरे प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अगर हम बात करें सोलन डिस्ट्रिक्ट की ममलिक से, यहाँ पर एक ही परिवार के 7 लोग जो यहाँ पर मलबे के चपेट में आए, जिनकी मौत हो चुकी है। ऐसी राजधानी शिमला की अगर बात करें तो फागली में भी पेड़ गिरने से एक घटना सामने आई, जिसमें 5 से 6 लोग के दबे होने की संभावना है वहाँ से, हालाँकि उनको तो फागली से भी जो है 5 से 6 लोग वहाँ पर दबे हैं। तो यानी कि आज का दिन हम कह सकते हैं काफ़ी काला दिन के रूप में है। पूरे प्रदेश से ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जानी जिसमें नुकसान अब ज़्यादा हुआ है, जानी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और ऐसे ही अगर शिमला की जहाँ अभी मौजूद हैं, जहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, 25 से 30 लोग अंदर दबे होने की यहाँ पर बात की जा रही थी सुबह के समय, यह हादसा हुआ 7 बजे। हालांकि अभी जो सूचना जो है ऑफिशियली जो सूचना हमारे पास है कि 5 लोग जो है यहाँ पर मिले हैं, जिसमें 3 बच्चे, 2 इससे 1 महिला, 1 व्यक्ति है जिनकी मौत हो चुकी है। जरिए जो यहाँ पर काम यहाँ पर चल रहा था, सावन का महीना था, आखिरी सोमवार था, तो लोग सुबह से ही जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और एक फैमिली ऐसी थी जो हवन जो है वहाँ पर उस समय कर रही थी, जिस समय ये हादसा हुआ है, हवन के समय ये हादसा हुआ है, कुछ लोग दर्शन के लिए यहाँ पर उसी समय 10 से 12 लोग उसी समय यहाँ पर पहुँचे थे। और जो बच्चे यहाँ पर बताया जाता है वो बाहर लेंटर पे खेल रहे थे जिस समय हादसा हुआ था, और काफ़ी दूर जाके जो है उनकी डेड बॉडी मिली है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है, और ये रेस्क्यू का जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जवान यहाँ पर रेस्क्यू यहाँ पर चला हुआ है। तो उम्मीद सभी की है कि वो जो लोग अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दुआ सभी यहाँ पर कर रहे हैं, सभी की दुआ यहाँ पर है। और आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हम आपको बता दें कि ये जो घटना है शिमला के समरिल की शिव बॉडी के पास की घटना है, वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आपको अपडेट हम देते रहेंगे, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, यहाँ की रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिंदगियों को बचाने की, जो जिंदगियाँ अंदर फंसी हुई है उनको किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सभी प्रशासन के लोग, पुलिस के जवान, अन्य जो SDRF के जवान, NDRF के जवान, सभी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिंदगियाँ अंदर फंसी हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो हम लोग भी दुआ करते हैं कि वो लोग सुरक्षित हो, उन्हें सुरक्षित बाहर यहाँ पर निकाला जा सके।
पर एक बहुत बड़ा हादसा आज सुबह सवेरे की यह घटना बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और इस हादसे में अभी तक जो है 5 लोगों के यहाँ पर डेड बॉडी निकाली गई है। 5 लोग जिसमें से 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के साथ साथ अगर हम बात करें, एक महिला एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल यहाँ पर बताई जा रही है और अभी भी जो है काफ़ी लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एग्जिट फिगर हम नहीं बता सकते कितने लोग अंदर दबे हो सकते हैं, पर जो अभी जो सूचना है यहाँ पर मिल रही है, जो अभी सुरक्षित है, जो जिंदा यहाँ पर है 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं कि 5 से 6 लोग अभी भी जो इस मंदिर के अंदर है और जिन्हें सबसे पहले बचाने की कोशिश है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑपरेशन जिंदगी, जिंदगी जो अंदर लड़ रही है मौत से, जो अंदर लड़ रही है और उनको सुरक्षित बाहर निकालना सबसे पहले लक्ष्य है। यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, SDRF के जवान हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, सभी का एक लक्ष्य है कि उन जिंदगियों को सुरक्षित यहाँ पर निकालना है। तो अभी एक राहत की बात है कि उनसे अभी उनकी बात हुई है, बातचीत हुई है, हल्की कुछ आवाज़ें जो है अंदर से यहाँ पर आई है, तो ये एक राहत की बात हम कह सकते हैं कि उन जिंदगियों को जल्द से जल्द बचाया जाए। ये लाइव तस्वीरें, लाइव घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अपडेट हम आपको देंगे, पूरी अपडेट के साथ सटीक जानकारी हम आपको देंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पे चल रहा है। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये तस्वीरें और क्या बना हुआ है इस समय। और ये जवान जो यहाँ पुलिस के जवान हैं, SDRF के जवान यहाँ पर लगातार लगी है कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ताकि उन जिंदगियों को बचा सके। अभी अभी लक्ष्य क्या है, अभी मोटिव क्या है, जो घटना हुई है वो काफ़ी दर्दनाक घटना है, हम आप सभी को पता है। अभी अभी घटना क्या है, उन जिंदगी को बचाना है, जो यहाँ पर फंसी है उन जिंदगियों को बचाने की मुहिम लगातार यहाँ पर है। तो ये जिंदगी काफ़ी ज़रूरी है और थैंक यू, जिंदगी को बचाना भी पर काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे की जो तस्वीरें हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम आपके सामने ज़रूर साझा करेंगे। आप सभी भी दुआ करें, आप सभी दुआ करें कि वो जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और आप देखिए वॉन्टली यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, पानी जो यहाँ पर स्ट्रेचर मंगाया गया है, लगता है कोई मलबे में के नीचे कोई यहाँ पर कह सकते हैं मिला है। अभी ये पूरी देखिए स्ट्रेचर यहाँ पर मंगाया गया है, देखिए आपको घटनास्थल की ये लाइव तस्वीरें, बिल्कुल घटनास्थल की यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पे चल रहा है, लगभग 2:30 बजने वाले हैं और सुबह 7 बजे से के बाद जो है रेस्क्यू यहाँ पर शुरू हुआ था। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की जो अपडेट है, घटनास्थल की अपडेट है आपको देते रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए।
आदमी अरे हम नहीं इसके साथ ही बहुत हो गया बोलना तो ये रेस्क्यू की लगातार जो तस्वीरें हैं आपको अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह जुड़े रहिए। और यहाँ पर स्ट्रेचर यहाँ पर मंगाया गया है और ये अभी क्योंकि काफ़ी दूर है, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से कहना मुश्किल है कि लगता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के यहाँ पर डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। मशीन भी क्योंकि लगातार यहाँ पर लगी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जिंदा निकला हो, अच्छी डेड बॉडी निकाली गई है। तो ढाई बज चुके हैं सुबह से, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, लगातार जो सभी जो जवान हैं, हम पहले हम कह चुके हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो जिंदगी अंदर फंसी हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं, जो लोग चला हुआ है ऊपर से पूरा साफ किया गया है, पेड़ों की कटाई की गई है, पत्थरों को वहाँ से हटाया गया है और उन सबको हटाने के बाद लोग अब जवान जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऑपरेशन जिंदगी हम कह सकते हैं इस जिंदगियों को बचाने के लिए यहाँ पर मुहिम, और जितने यहाँ पर जवान यहाँ पर लगे हैं वो लगातार लगे हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए। तो आप जुड़े रहिए और किसी के मिलने की आपको सूचना जरूर यहाँ पे मिल रही है, आप देख रहे हैं तस्वीरें दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। हम तो काफ़ी दुखद घटना सामने, आपको इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये लाइव आपके सामने इस घटनास्थल से यहाँ की अपडेट, यहाँ यहाँ पर जो हो रहा है पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाँच डेड बॉडी गई है आज दिन से, हाँ तो गई है। तो ये तस्वीरें हैं और घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं और सभी दुआ कर रहे हैं कि वो जो लोग अंदर फंसे हैं, सबसे पहले जो भी जिंदा है जिनसे अभी संपर्क हुआ है वो लोग सुरक्षित बाहर निकल सके, यही अभी सभी का लक्ष्य है और सभी दुआ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये रेस्क्यू की जो लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं और इस रेस्क्यू के साथ साथ और जहाँ पर ये सूचना मिल रही है कि शायद यहाँ पर जहाँ पर कार्य चल रहा है यहाँ पर एक बॉडी मिली है जो मलबे में यहाँ पर दबी हुई थी। यहाँ पर जो है ये स्पॉट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि
क्योंकि इस जगह आपको दबे जो ये जगह है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रोगी दबे होने की बात की जा रही है और ये वहाँ पर जगह जहाँ पर लोग दबे हुए हैं। काट देने खराब ने ना एक मिनट इसको कट होगा जे सी भी यहाँ पर जो है मलवानी गाड़ी का काम कर रही है सारे रोका गया ये खोल देना रास्ता देखिए यहाँ यहाँ कोशिश की जा रही है कि कोई नीचे बंद मुझे लेंटर दिखाई दे रहा है छोटा मंदिर बताया जा रहा है ये तो छोटी होगी ना छोटी कर दी तो लगातार जो है आप देख रहे हैं जो इनको संपर्क करने की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है संपर्क उनसे हो रहा है। बॉडी है या कुछ तो प्रयास लगातार जारी है सभी के द्वारा। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि सभी दुआ कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, चाहे प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे NDRF के जो है, चाहे हमारी मिलिट्री जो यहाँ पर क्योंकि आर्किटेक्ट भी हैं, मिलिट्री भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो सभी और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी दुआ कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी सुरक्षित बाहर निकल सके। और इसी के लेकर जो है यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है स्थानीय लोगों की मदद से और जवानों की मदद से। होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर लगातार सुबह से है, SDRF के जवान यहाँ पर लगातार सुबह से हैं, वहीं अगर बात करें अग्निशमन के जवान यहाँ पर लगातार सुबह से हैं। तो कोशिश यही है कि जो ज़िंदगी अंदर है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो 2:30 बज चुके हैं सुबह से लगातार रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है। अभी तक 5 लोगों को यहाँ पर निकाला गया है जिनकी मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 बच्चे हैं, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 से 32 साल बताई जा रही है और एक महिला जो है जिसकी यहाँ पर मौत हुई है। अभी तक जो 5 यहाँ पर लोग निकाले गए हैं, 25 से 30 हम बार बार कहने की जो यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 25 से 30 लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं। सावन का महीना है, पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे, हवन भी यहाँ पर चल रहा था, आखिरी सोमवार था, जिसके चलते यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए भी जो आसपास के जो समिल के आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। खासतौर पर सावन के महीने में इस शिव मंदिर की एक अपनी आस्था थी और इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी था और ऐसी ही अब बारिश के दौर में लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और यही जो दुखद घटना अब सामने है कि उसी समय जिस समय वो लोग यहाँ पर थे उस समय ये घटना सामने आई है। तो लगातार जो है यहाँ पर नस्ल की ये तस्वीरें और ये भी सूचना मिल रही है कि किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, उसको निकालने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जैसे भी को यहाँ पर एक तैयार
तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की जो है यहाँ पर दबे होने की बात की जा रही है। स्ट्रेचर भी यहाँ पर लाया गया है और आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति और यहाँ पर मिला है, एक बॉडी यहाँ पर मिली है। और तो यहाँ पर क्योंकि इसी जगह आप पहले भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इसी जगह काफ़ी लोगों की दबे होने की यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में अब ये तो काफ़ी दुखद ये घटना और एक डेड बॉडी और यहाँ पे मिली है। आपको बता दें जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उस मलबे से जो है उस व्यक्ति को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, काफ़ी दुखद तस्वीरें हैं। और आपको बता दें जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति की यहाँ पर डेड बॉडी मिलने की यहाँ पर बात की जा रही है और इससे पहले भी लाइव तस्वीरों में जुड़े थे। अब जो है जहाँ पर ये जेसीबी आप देख पा रहे हैं, हम आपको हालांकि बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं वहाँ पर दिखा नहीं दिखा सकते क्योंकि बॉडीज दिखाना जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं रहता है। तो हम आपको अभी जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं जेसीबी के सामने जो है वो यहाँ पर हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि कोई डेड बॉडी इसमें अंदर हो। और एक क्योंकि स्ट्रेचर जो है वो यहाँ पर लाया गया है, स्ट्रेचर से दूसरी तरफ जो है वो जिंदगी या जिनको बचाने के यहाँ पर राहत कार्य लगा है वो ये जगह है। ये लाइव तस्वीरें आप सबके बीच में लोग रख रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेचर को जो है वो मंगाया गया है जवानों के द्वारा। इसके बाद जो जेसीबी की जो खुदाई यहाँ पर चल रही थी उसको रोक लिया गया है। जेसीबी की खुदाई रोकने के बाद संभावना जाना जा रही है कि जो यहाँ पर जो बॉडी है वो चला हुआ है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। लोग हैं उनके भी दबे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो मंदिर है ये मंदिर का एक कमरा है, इसमें अंदर लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। और अब जैसा कि हम आपको जेसीबी के साथ में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो यहाँ पर भी जो धीरे से जो कार्य है, कार्य को बिल्कुल धीमा कर दिया गया है कि जो बॉडी अगर मिलती है तो वो डैमेज ना हो, ये यहाँ पर एक तरह से आ जा रहा है कि डेड बॉडी। तो ये आपको बता दें कि जगह अभी जो है एक डेड बॉडी मिलने की जो सूचना यहाँ पर मिल रही है और ये वो जगह है जहाँ पर चल रहा है रेस्क्यू, जहाँ पे चल रहा है, जहाँ जिंदगियाँ यहाँ पर दबी है उनको निकालने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, किया जा रहा है। ये यहाँ पर खुद जो एसपी एसडीआरएफ तो यहाँ पर मौजूद है, सारे जो है कोशिश यहाँ पर इस समय लग रहे हैं, सभी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित बाहर यहाँ पे निकाला जाए। और आपको दिखा देते हैं वो जहाँ पर एक व्यक्ति की यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह यहाँ पर जो है एक डेड बॉडी मिली है, मशीन यहाँ पर लगी हुई थी और मशीन इनकी जेसीबी यहाँ पर लगी थी और उस समय यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, यानी कि पांच पहले मिली थी और ये छठी जो है यहाँ पर डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और एक व्यक्ति की ये डेड बॉडी मिली है। और अब यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी दर्दनाक घटना भी है, काफ़ी दुखद जो तस्वीरें इस समय ये हमारे सामने है, काफ़ी दुखद ये तस्वीरें हैं। और स्ट्रेचर है और यहाँ पर एक व्यक्ति के मिलने की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक व्यक्ति यहाँ पर दबे यहाँ पर मिले। तो ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में आपकी एक व्यक्ति की डेड बॉडी और यहाँ पर मिली है और ये डेड बॉडी मिली है और मलबे में बॉडी को हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं लेकिन तो एक और यहाँ पर शव यहाँ पर मिला है। हालत बहुत बुरी है, बहुत ही दर्दनाक ये घटना, बहुत ही दयनीय ये, बहुत ही दुखद ये घटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शव है वो यहाँ पर बरामद हो चुका
तो ये लगातार जो हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इसमें अभी तक जो है 5 लोगों के दबे होने की यहाँ पर बात यहाँ पर की जा रही थी और ये अब हम कह सकते हैं कि एक और डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और इस डेड बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही तय हो पाएगा कि मृत्यु किस तरह से हुई है। हालांकि मृत्यु सभी जानते हैं कि दबने की वजह से, लेकिन किस तरह से एक पूरी डिटेल जानकारी पोस्टमार्टम के अनुसार लाई जाती है एम्बुलेंस के माध्यम से। तो एम्बुलेंस में जो है उस शव को यहाँ पर ले जा रहे हैं, ले जाया जा रहा है और उस शव को यहाँ से जो है उसकी शिनाख्त की जाएगी कि कौन व्यक्ति है और किस तरह से जो यहाँ पर आए थे। उनके परिजनों को भी सूचित किया जाएगा और फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जीसीबी के माध्यम से जो चल रहा था उसको दोबारा से शुरू कर। तो इसी जगह जो है अभी एक व्यक्ति की यहाँ पर अभी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और फिर से अब जो मशीन यहाँ पर लग चुकी है, जेसीबी यहाँ पर लग चुकी है, तो ये एक दुखद तस्वीरें जरूर है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये जो है दुखद तस्वीरें, ये दुखद घटनाओं की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं और इसमें अभी तक जो है हम अब कह सकते हैं कि 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक ब्रेकिंग है कि एक डेड बॉडी की और यहाँ पे निकाली गई है, एक व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ पे निकाली गई है, उसे अब एम्बुलेंस में भरकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे परिजन भी है, उनसे शिनाख्त भी यहाँ पर करवाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर सुबह के समय पूजा करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। सावन का महीना है, आखिरी सोमवार है, पूजा करने के लिए जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, जल चढ़ाने के लिए जो जल यहाँ पर आए थे और उसी समय ये दुखद घटना सामने आई है। तो इसी जगह जो है जहाँ पर ये खुदाई का काम चल रहा है, जहाँ पर जेसीबी यहाँ पर लगी है, यहीं पर जो है काफ़ी लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है कि अगर जो काफ़ी लोग जो दबे हैं वो इसी जगह लोग यहाँ पर दबे हैं, इसी जगह जो है काफ़ी कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, इसी जगह पे जो है लगातार जो है मशीन यहाँ पर काम यहाँ पर कर रही है। तो ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और ये और दूसरी जगह दूसरा जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, ये मंदिर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर वो है जहाँ पर 5 से 6 लोग अंदर दबे हैं जिनसे अभी बातचीत भी हुई थी, आवाज़ जो है मंदिर के अंदर से यहाँ पर आई थी, अब उनको निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब चारों तरफ घटनास्थल की अगर कहीं भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो लगातार जो है बचाव कार्य यहाँ पर लगा हुआ है, लोगों को बचाने का काम यहाँ पर लगा हुआ है, रेस्क्यू यहाँ पर लगातार यहाँ पर चला हुआ है और इस रेस्क्यू के चलते हुए जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने की लगातार यहाँ पर कोशिश है। और आपको बता दें कि अभी रेस्क्यू से आपको हम यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं और बारिश लग चुकी है, बारिश फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। ये बारिश जो इस समय यहाँ पर लग चुकी है बाधा बन सकती है, पर अभी भी जो जवान है जो है यहाँ पर लगे हुए हैं इस बारिश में कि उन लोगों को सुरक्षित बाहर यहाँ पर निकाला जा सके, जो लोग अंदर जिंदगी और मौत के बीच में यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी सभी की यही दुआ है, यही सभी दुआ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। मैडम आप थोड़ा सा ना साइड में खड़े हो जाओ, फिर आप प्लीज़ मैडम थोड़ा साइड में हो जाओ ना, फिर आप या हमारे साथ आ जाओ, आप आप हमारे पीछे आ जाओ। तो ये तस्वीरें हैं आपको दिखाएंगे, लगातार बारिश फिर से यहाँ पर लग चुकी है, ये बारिश फिर से यहाँ पर लग चुकी है और कहीं ना कहीं जो है इस बारिश से बारिश का जो सिलसिला है फिर से शुरू हो चुका है, सुबह भी बारिश बाधा बन सकता है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन सकता है। और अभी आपको बता दें कि अभी एक और यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है जिसे अभी तुरंत हॉस्पिटल यहाँ पर ले जाया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण करके जा चुके हैं, राज्यपाल यहाँ से निरीक्षण करके जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जो है निरीक्षण करके जा चुके हैं और अन्य जो प्रशासन है वो पूरी तरह यहाँ पर तैनात है, वो रेस्क्यू कार्य कोई नहीं पूरी तरह से यहाँ पर जिंदा नहीं है, वो तैनात है और
आवाज आ रही है एक और डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है, तो करीब 7 डेड बॉडी यहाँ से मिल चुकी है। कुछ तो भी कुछ थी पता लेना पड़ेगा, खाता खोलना ही पड़ेगा। हाँ खोलना पर थोड़ा सा नीचे रहना, ऊपर मत खाना जाना ना। आंटी इधर इस साइड को पीछे आ जाओ, फिर और पीछे ना मोड़ में और बस और पीछे आओ। तो बारिश यहाँ पर लग चुकी है काफ़ी तेज, देख सकते हैं कि तेज बारिश यहाँ पर हो चुकी है। और इसी बारिश के बीच में जो रेस्क्यू यहाँ पर लगातार लगा चल रहा है, रेस्क्यू का यहाँ पर काम यहाँ पर चल रहा है। कौन जी कहाँ पहुँच ऊपर देखो, कौन सोनी जी ऊपर है, ठीक है काम देखो, ये काम है छत्ता तो मेरे पास भी है, मैं खोलना ही चाहूँगा। घंटा जी का छत्ता आपका बिगाड़ है मेरे, भाई आप मैं तो नाइटिन चल रहा है। आगे चलो पूरे लॉ पूरा, हाँ लो वहाँ से शॉर्ट ही बनेगा ना, छाते वाले थोड़ा साइड हो जाओ यार। रिस्की है वैसे ना, हाँ ऊपर से और ही आ गया वहाँ पर। तो ये बारिश फिर से यहाँ पर लग चुकी है, एक लाइव करता हुआ चले जी पकड़ेंगे आप लाइव पकड़ू पकड़े काम आप पकड़ेगी पकड़ना छत्ता मन करो छत्ता मेरे पास इसकी अब यहाँ बहुत बारिश हो रही, इतनी बारिश नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। मैंने लाइन करना चाह दिया हो, मैंने लाइन करना तो चला कोई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बचेगा इसमें, नहीं बचेगा भाई, चलो और बैंक कौन सा सीधा ही पे नहीं लगाना है, हाँ लगाना भाई तो बारिश यहाँ पर, बारिश का दौर फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिससे राहत कार्य में कुछ बाधा यहाँ पर जरूर यहाँ पर आएगी। आगे चलो पूरा पूरा आगे चलो, छपा करना पीछे ना बस।
लोग छाता करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। विक्रांत भाई, विक्रांत भाई, मैं छाता नहीं डालते मेरा, मैं छाता इसमें बैग के पीछे ये फट गया साला, इसमें आई नहीं कुछ नहीं, फाड़ दो उसको, कोई चक्कर नहीं। भाई सबसे नीचे होगा देखो, पीछे वाले एक ही जेब है सूट। टाइम तो उसको फाड़ दो, उसको यार फाड़ दो, सुनता जी अपना की करो। अच्छा तो बारिश के बीच में थोड़ा मुश्किलें हो रही है तस्वीरें दिखाना आपको, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इस रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा सकें। तो यहाँ पे रेस्क्यू वहाँ पे चल रहा है, और पानी फिर से यहाँ पर इस जगह पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी और पानी फिर से यहाँ पर काफ़ी तेज यहाँ पर हो चुका है। और ये जेसीबी द्वारा यहाँ पर, क्योंकि इसी जगह अगर हम बात करें तो इसी जगह काफ़ी लोग दबे होने की यहाँ पर बात की जा रही है। एक डेड बॉडी अभी अभी यहाँ से निकली है, पूरी इस बारे ये जगह भी अनसेफ हो गया है, तो जिस जगह हम खड़े थे तो कहा जा रहा है कि ये जगह भी अनसेफ हो रही है। अरे पीछे को रिफ्रेशमेंट, पीछे बंद दूँ 4000। तो बारिश के चलते काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो बता दें तो इस बारिश में लगती बारिश में जो है बचाव कार्य फिर भी यहाँ पर लगातार जारी है, और मशीन पहले मैनुअल यहाँ पर काम किया जाता, मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी है और इस मशीन द्वारा भी जो है यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और बारिश कहीं ना कहीं अब बाधा बन चुक सकता है, क्योंकि पानी फिर से और मलबा फिर से ऊपर से यहाँ पर आ रहा है, तो ये
रेस्क्यू की जो लगातार आपको तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मलबे के नीचे जो है बाइक भी दबी हुई है। तो चलिए आपको हम लाइव तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर भी जो है नीचे से मलबा जा रहा है, तो यहाँ से हटना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फिर से हम आपके सामने लाइव तस्वीरें लेके आएंगे, रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें आपको, पूरी घटनास्थल की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और थोड़ी देर बाद फिर से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे।